तो क्या हाल है भाई लोगों। बहुत दिन हो गए थे, मुझे क्वेरीज आ रही थी। कोई 700 600 600 RMS का सब वूफर चाहिए तो वो बताओ। तो मेरे पास ना एक RDS का 700 RMS का सब वूफर पड़ा है, उसकी अनबॉक्सिंग तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अब RDS में आता है 600 का सब वूफर। तो 700 और 600 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉयल का डिफरेंस है। आगे आप वीडियो देखना, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस जो ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो आज हम वही 700 RMS के जो RDS का सबवूफर है मेरे पास पड़ा, उसकी परफॉर्मेंस एक बार दोबारा देखेंगे। तो 600 की और 700 की ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है, तो अगर वो किसी को लेना हो तो वो ऑर्डर कर सकता है, नंबर तो आगे आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो भाइयों, आज अब हम अपने ब्रॉस्टिक के सबवूफर को निकाल के उसमें लगाने जा रहे हैं अपना ये RDS का 700 RMS का सबवूफर। इसकी वीडियो ऑलरेडी पहले आपने देखी होगी, बट सेम डिज़ाइन में अब 600 RMS अवेलेबल है। देखने में ये सेम ही होगा, बस स्टिकर थोड़ा अलग होगा। सारा मैग्नेट किट वगैरह सब कुछ सेम है, सिर्फ कॉयल का डिफरेंस है। इसमें 2.5 इंच की कॉयल है, उसमें होगी 2 इंच की कॉयल। तो आज हम एक बार दोबारा अपने इस 700 RMS के सबवूफर को इसके अंदर लगाएंगे अपने बॉक्स के अंदर। एक्चुअली ये बॉक्स जो है बॉस्टिक के लिए ज़्यादा बड़ा है, ये इसके लिए परफेक्ट है। तो अब हम इसमें लगाएंगे अपने इसको 700 RMS के सबवूफर को। तो 600 RMS का सबवूफर भी बिल्कुल ऐसा ही है देखने में, परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी, 19-20 का ही फ़र्क होगा। तो लगाते हैं इसमें हम अपने 700 RMS के सबवूफर को। तो भाइयों, वायरिंग कर दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी वायरिंग हमने सीरीज़ में की है। ये देखो, यहाँ का जो नेगेटिव है वो दूसरी साइड के पॉजिटिव से जोड़ दिया है। तो मैंने अब इसकी वायरिंग सीरीज़ में इसीलिए, क्योंकि ये D2 का वो सबवूफर है। D2 अगर इसको पैरेलल करेंगे तो 1 ओम पर हो जाएगा। तो 1 ओम पर ये जो है लोड ज़्यादा देगा मोनो से, तो इसको हम वही 450 RMS देंगे जो हमारा S&B का मोनो देता है। 2 ओम पर तो ये फिर 800-900 खींचना शुरू कर देगा, तो मोनो एम्प प्रोटेक्ट में जा सकता है। तो फिलहाल हम इसे 4 ओम पर ही चलाएंगे। इस 700 RMS को तकरीबन 400-450, मतलब ऑन पेपर्स, रियलिटी तो चलो और कुछ होती है, ऑन पेपर्स इसको इतनी RMS मिलेगी एज पर स्पेक शीट। तो इसको हम चलाएंगे सीरीज़ में 4 ओम पे। तो भाइयों, फिटिंग तो हो गई है, लेकिन ये रबड़ मुझे निकालनी पड़ी क्योंकि ये एनग्रेव्ड है, तो यहाँ पर फिट नहीं आ रहा था, रबड़ थोड़ी मोटी थी। तो फिलहाल बिना रबड़ के मैंने लगा दिया, रबड़ को निकाल दिया। तो जल्दी से अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं।